स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे मंच पर विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी मौजूद है। इस बार झालावाड़ की जनता आपका हृदय से अभिवादन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है। मैं स्वागत के क्रम में हमारे बारा झालावाड़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री दुष्यंत सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साफा पहनाकर, तस्वीर भेंट कर उनका अभिवादन करें और सभी तालियों से, गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी से आग्रह करता हूं कि वो राम मंदिर का मूवमेंटो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भेंट कर उनका अभिवादन करें, उनका धन्यवाद करें। अब स्वागत के क्रम में बड़े हार से सामूहिक रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन सभी लोग करेंगे। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सब लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। एक बार पूरे जोश के साथ पूरी लोकसभा को लगना चाहिए ताली बजाते हुए, मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं सीधे स्वागत भाषण के लिए हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी से आग्रह करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। देश की जनता 2024 में हैट्रिक लगवाने के लिए जिनकी बेसब्री से इंतजार कर रही है, ऐसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाड़ौती और अंता कि इस धरती पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी उपस्थित जनता, माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गण, सब जो यहाँ आए हुए हैं, उन सब की ओर से मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ। ये वो नेता हैं हमारे जिन्होंने पूरे देश के अंदर, जो पूरा देश उनका लोहा मानता है, और देश ही नहीं, आज इनका नेतृत्व पूरा विश्व स्वीकारता है। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम हमारे इस भूमि पर उनका स्वागत करने का काम करते हैं। जोर से भाई सुनना है आवाज, मोदी मोदी। राजस्थान की जनता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी बहुत आभारी है
कि आपने अपने जनधन, गरीब कल्याण और आपके आयुष्मान, आपकी उज्ज्वला और आपकी मुद्रा जैसी योजना का लोगों के बीच में पहुंचाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में हैं। आपने इन स्कीम्स के द्वारा हम सबकी जीवन को बदलने का काम किया है। और अभी अभी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 6000 रुपए हर एक आदमी को, हर एक किसान को उसके बैंक अकाउंट में मिला करता था प्रतिवर्ष, उसको 12000 रुपया करने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी वादा किया है। जन जन के आस्था का प्रतीक हमारा राम मंदिर, जिसके बारे में सालों से बातचीत चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, उसके बारे में बताते रहते हैं, परंतु आज उसको अयोध्या में बनाकर उन्होंने हम सब देशवासियों के जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का काम करते हुए हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। एक तरफ तो आपके श्रेष्ठ तंत्र ने विकास के लिहाज से भारत को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है, वहां दूसरी ओर अशोक गहलोत के भ्रष्ट तंत्र ने राजस्थान को पीछे ढकेलने का काम लगातार 5 साल के अंदर करने का काम किया है। देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार आज राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड अगर कहीं टूटा है तो वो इस भूमि, इस अंता की भूमि के ऊपर टूटने का रिकॉर्ड है। इस भ्रष्टाचार से हमारी पूरी जनता दुखी हुई है, और हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान इस भ्रष्टाचार के अंटे में से निकलकर फिर से अपने पैर पर खड़ा हो सके। भ्रष्टाचारी नहीं, महिला, दलित अत्याचार, बेरोजगारी, आपका पेपर लीक, इन सब ने भी गहलोत सरकार ने अपना कीर्तिमान बनाने का काम किया है। और अब आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें विश्वास है कि ये गहलोत जी हार का भी कीर्तिमान बनाने का काम करने जा रहे हैं, या आप लोग सब करोगे, आप लोग बनाएंगे इनका। गहलोत की अधिकतर जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणा है, वो जमीन पर हमको देखने को नहीं मिलती है। और पिछले बजट के अंदर उन्होंने जो जो हमारे घोषणाएं की थी, आप सब जानते हो कि वो जमीन पे उतरे नहीं है, और अब ऐसा ही रहेगा, वो जमीन पे उतरने वाले भी नहीं है। और परंतु बोलने में उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, जहां जाते हैं वहां पत्थर लगाते हैं, अपना नाम छोड़ते हैं, और सब सब लोगों को यही कह के जाते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मांगो और हम देंगे। परंतु ये पहले करने की जरूरत थी, 4 साल कुछ नहीं किया, और अब आज आपके सामने आके हाथ जोड़ जोड़ करके ये लोक लुभावनी आपके सामने बातें करने की कोशिश करते हैं। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगी, उनकी चिरंजीवी स्कीम, उन्होंने हमारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की नकल करने की कोशिश की। फर्क तो इतना ही है कि सरकारी अस्पताल उन्होंने तो हाँ करके उनके साथ जुड़ने का काम किया, परंतु जो प्राइवेट अस्पताल हमारे स्कीम भामाशाह योजना के अंदर जुड़ा करते थे, उन्होंने सख्त मना कर दिया कि हमें कोई विश्वास नहीं है कि ये सरकार हमको पैसा देगी, इसलिए हम उनकी चिरंजीवी योजना के अंदर जुड़ना बिल्कुल ही नहीं चाहते। जनता को लुभाने का काम किया, तो कभी 5 लाख बोले, तो फिर 10 लाख बोले, तो 25 लाख बोले, और बोलते बोलते 50 लाख तक वो चले गए। आज अगर आपने विज्ञापन देखा होगा तो फिर 50 लाख से 25 लाख तक आने का काम उन्होंने किया है। भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन से वादे किए हैं, और नए वादे कर करके और लोगों को जोड़ने का काम करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं स्कीम से पता लगता है कि प्रदेश के विकास के लिए वो कितने सीरियस हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि उनमें से कोई ऐसा है, कोई ऐसी स्कीम है जिसको पूरी तरह से जमीन पे लाने का उन्होंने काम किया है। किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी तो जरूरत होती है। आपके आशीर्वाद से बारा और झालावाड़ के अंदर ट्रेन की सुविधाएं भी हो गई हैं और आपके आशीर्वाद से रोड्स भी केंद्र की योजनाओं से बहुत ही अच्छे अपने इस क्षेत्र में बन चुके हैं। पीने के पानी के लिए आपने लगातार पैसे हम लोगों को और हम लोगों के सरकार के द्वारा भेजने की कोशिश की है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने और उनके तरीकों की वजह से ये पानी हम लोगों तक नहीं पहुँचा है, उसमें बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं और जनता के बीच ये पहुँचाने का काम सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। परवन की सिंचाई की योजना 8,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब लोगों को देने का काम किया था, परंतु सरकार जाने के बाद 5 साल अब धीमी गति से चल रही है। अगर परवन नदी का काम भी हो जाता तो मैं समझती हूँ कि लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी जमीन के ऊपर पहुंचने का काम आगे चल भी जाता। किसान फिर से पूरी तरह से दुखी है। शिक्षा तंत्र के अंदर अव्यवस्था हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वो सुधरा था, परंतु अब फिर से हालत खराब हो गई। 34 साल के इस रिश्ते के अंदर हम लोगों ने धीरे 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 इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट भी हमारा, ये सब तंत्र तैयार हो गए, अब हमारा एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। 3,000 मीटर की रनवे और पर्याप्त भूमि का अभी अधिग्रहण भी हो चुका है। अगर आपकी कृपा होती है तो एयरपोर्ट से संबंधित जो भी बाकी काम है वो पूरा हो जाएंगे और हाड़ोती भी आगे चल के मुख्य धारा से जुड़ पाएगी। ये चुनाव हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये सब काम आपके हो जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब कार्यकर्ता प्रचंड बहुमत के साथ हमारे 8 की 8 सीटों को लेकर सरकार बनाकर आदरणीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए अंता से हमारे कंवरलाल जी मीना, बाराटू से हमारे राधेश्याम जी बैरवा, छबड़ा से हमारे प्रताप सिंह जी सिंघवी, खानपुर से हमारे नरेंद्र नागर, किशनगढ़ से हमारे ललित मीना, मनोहथाना से हमारे गोविंद रानीपुरिया, डग से हमारे कालूलाल जी मेघवाल और झालावाड़ से मुझे सहित हम सबको आशीर्वाद देकर सेवा करने का अवसर आप लोग सब प्रदान करेंगे। यही कहते हुए दोनों मुट्ठी को तान करके आप अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारा लगाएंगे, मोदी जी के सामने इस महिला विरोधी, इस युवा विरोधी, इस किसान विरोधी, दलित विरोधी, व्यापार विरोधी और फिर विकास विरोधी सरकार को हम हरगिज फिर वापस नहीं आने देंगे। इसलिए जोर जोर से मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। और एक नारा राजस्थान का, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इस दह के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं सीधा आमंत्रण करता हूँ कि वो आए और सभा को संबोधित करें। सब खड़े होके अभिवादन करेंगे, सब खड़े हो जाए अपने स्थान से, अभिवादन करें। मोदी जी, मोदी जी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, जय महाकाल। अनंत भगवान की, विजयासन माता की, कामखेड़ा बालाजी महाराज की, सोरसण माता की, मीन भगवान की,
ज्योतिबा फुले की, भारत माता की, राम राम सा। मेरे परिवारजनों, मैं संत पीपाजी महाराज को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यहां इतनी बड़ी संख्या में आप जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य मिला है। मैं अभी दुष्यंत जी से पूछ रहा था कि जहां मेरी नजर नहीं पहुंच रही वहां लोग हैं, तो मैंने कहा सुनाई कैसे देता होगा, मैंने कहा सुनाई कैसे देता होगा। बोलो ने हमने 3 बार माइक के ट्रायल लिए हैं और बोले मैं भरोसा देता हूं कि सुनाई देगा। उसके बावजूद भी इतनी तादाद में और भी सुबह के समय आना ये छोटा काम नहीं है जी। देखिए मैं सालों तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम में लगा रहा था। ये सत्ता कुर्सी इस दुनिया में तो बड़ी देर से आया। जब संगठन का काम करता था और हमें अगर कोई बड़े से बड़ा नेता आने वाला हो और हमें कहे कि सुबह 11 बजे सभा करनी है, तो हम हाथ जोड़ के कहते थे कि नहीं जी सुबह मत दीजिए, लोगों को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2 बजे के बाद दीजिए, क्योंकि 11-12 बजे सभा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इतनी बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, वो भी सुबह के समय। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं और जनता जनार्दन को विशेष रूप से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया, आपने हमें आशीर्वाद दिए। मैं इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को देख रहा हूं, खाना पकाने का समय हो, रसोई घर छोड़कर के राजस्थान का भाग्य बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में माताओं का आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये प्यार, ये आशीर्वाद दिखाता है कि मेवाड़ हाड़ौती के मन में राजस्थान का भविष्य और राजस्थान में परिवर्तन की भावना कितनी प्रचंड है। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारा झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2-2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर
पैरोसी जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के तीन दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन तीन बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी, लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी। और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं, और हर माँ बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं बोलते हैं लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों,
आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है, राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ, कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है, हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है, हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती है, बारीक बारीक सफाई करती है। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी, टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती है
तब जाकर के दिवाली मनाती है। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ? तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का जीत का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है। लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है।
यहां के जो कर्मचारी है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा, नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे, चुनाव जीतने के बाद करना है करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना, तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है
राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे ऐसे लोगों को, खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जनमन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जनमन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। 12 के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार के सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना, करेंगे। शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे,
ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है, इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए, हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है, और आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो मुझे, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम, भ्रष्टाचार की बंद होगी दुकान। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत साधुवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है।